नमस्कार दोस्तों, चम्बल नदी मंडरायल पे चौकी पर ये पुल की गाटर कितनी बन चुकी हैं आप देख सकते हैं। ये गाटर है यहाँ पर बन चुकी हैं और इधर की साइड में ये गाटर उठाने के लिए मशीन भी यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मशीन इधर में रखी हुई है और यहाँ पर पुल के एक गाटर बनना चालू हुआ है और ये इतनी गाटर बन चुकी हैं और इधर की साइड में एक मशीन यहाँ पर भी रखी हुई है और काम लगातार चालू है। और यहाँ पर ठेकेदारों के मजदूर बहुत तेज़ी से काम में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये मज़दूर कितने लगे हुए हैं यहाँ पर और ये पुल पर गाटर डलने का काम हो रहा है। यहाँ चम्बल नदी चौकी पर यहाँ पर बस भी रखी हुई है, यहाँ पर सवारी चम्बल पर आती जाती रहती हैं तो बस, और यहाँ पर ये पुल के साधन चल भी रहे हैं। यहाँ पर चम्बल नदी चौकी का ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुल पर गाटर डलना चालू हो चुका है, यहाँ पर चार गाटर भी डट चुकी हैं। चम्बल नदी चौकी का ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चम्बल नदी है चौकी ऊपर राजस्थान की तरफ और यहाँ पर पुल का काम बहुत लगातार काम चालू है और यहाँ पर चार गाटर डल चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चम्बल नदी मंडरायल पर चार गाटर डल चुकी हैं। चम्बल नदी चौकी पर यहाँ माता रानी का मंदिर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कैला मैया का यहाँ पर स्थान भी है चम्बल नदी चौकी पर। यहाँ चम्बल नदी का चौकी का ये वीडियो इधर में देख सकते हैं, गाटर भी डल चुकी हैं और ये चौकी का पूरा वीडियो। हमारे लिए कमेंट भी आए थे चम्बल नदी चौकी का वीडियो बनाने के लिए और हमने ये वीडियो कमेंट वालों के लिए बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ चम्बल नदी चौकी पर ये बस भी खड़ी हुई है। यहाँ पर चम्बल नदी चौकी पर भोले बाबा का मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जो भोले बाबा का, आप दर्शन कर सकते हैं भोले बाबा के। यहाँ तक चम्बल पर पुल पर गाटर डल चुकी हैं, आप देख सकते हैं चौकी के ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये चम्बल नदी का ये किनारा ऊपर का आप देख सकते हैं और ये दो तीन दिन में चम्बल कितनी घट चुकी है आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। दो तीन दिन पहले यहाँ पर किनारे पर चम्बल नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और आज दो तीन दिन में कितना कम हो चुका है आप लोग देख सकते हैं इसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।